वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब भी अपने घर में ठीक होंगे। तो गाइज अभी बजे हैं 11:30 और सारा काम घर का हो चुका है, मशीन भी लगा दिया मैंने, सब कुछ कर दिया है। तो मैंने कहा थोड़ी देर ना उसके बाद रेस्ट कर लूँगी, तो थोड़ा सा करती हूँ रेस्ट, उसके बाद गाइज बनाती हूँ, लंच की तैयारी करती हूँ। तो बस पहले थोड़ा सा करूँगी रेस्ट और सोचा मैं आज आलू बनाऊँगी। मैं ना आलू खाने का दिल कर रहा है, जैसे वो कच्चे कच्चे प्याज वाला डालने का, तो सोच रही हूँ वही बनाऊँ। तो बस अब थोड़ी देर में जाती हूँ रेस्ट करके किचन की तरफ और करती हूँ घर का काम। तो आइए गाइस करते हैं न्यू ब्लॉग की स्टार्ट। गाइस लंच में बन रहे हैं ये आलू। पहले ये अच्छे से गाइस ये मैंने इनको फ्राई कर लिया है और यहाँ मैंने काटे हैं 3 प्याज मीडियम साइज़ के, तो ये भी डाल देती हूँ, इनको भी साथ साथ फ्राई करती हूँ। तो गाइस सारा नमक मसाले सब डाल दिए हैं और टमाटर भी डाल दिया है, बस अब इसको ढक के 5 से 7 मिनट पकाती हूँ, ये अच्छे से पक जाएंगे। गाइज आज मतलब अभी बज रहे 4, मम्मी मैं काकू और हम सब आ गए, बैठे थी अब मम्मी ठीक लग रहे हो नहीं? ऑलमोस्ट 12 घंटे हो गए, पता है 4:30 बजे के बाद ऑलमोस्ट 12 घंटे होने वाले हैं। चलो कोई नहीं, मेडिसिन चढ़ा दी, अब ठीक हो जाओगे। 1-2 घंटे में तेरे डिस्चार्ज कर देंगे, फिर यहाँ से जाकर फिर आपको सारी चीज़ें अपडेट कर देंगे। ठीक। सो गाइज क्या हुआ था हम लोगों के साथ, हमने ना कल आकर कुछ भी अपडेट नहीं करा आप लोगों को, भी थोड़ी क्लिप्स में हमने दिखाया होगा, मम्मी हॉस्पिटलाइज हो गए थे, उसके बाद फिर हम आकर सो गए थे बिकॉज हम आए थे 6:15 के करीब आए थे, 6:30 के करीब आए थे। हिम्मत ही नहीं थी कि नींद इतनी आ रही थी, क्योंकि वहाँ देखो नींद नहीं आती, जितनी भी कोशिश कर लो नहीं नींद आती कैसी। तो आज हम आपको अभी ब्लॉग बना के अपडेट कर रहे हैं। हुआ क्या, मैं चली गई थी अपने घर पर, तो परसों गई थी मैं, एंड कल मम्मी का फिर ना 4:30 के अराउंड फ़ोन आया कि तबीयत ठीक नहीं लग रही, तो मैंने कहा फटाफट पापा को फ़ोन कर दो बिकॉज मैं आऊँगी उत्तम नगर से, मुझे आने में टाइम लग ही जाएगा। तो पापा आए, इतने में पापा ने बताया मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, तो जो भी पास वाला जो भी नियरेस्ट हॉस्पिटल था वहाँ ले गए, तो पता चला कि सांस लेने में मम्मी को दिक्कत आती है, यहाँ तक आ जाता है, जैसे ना मैं ले नहीं सकती, मुझे ऐसा लगता है अभी कुछ हो जाएगा, इतनी तेज़ हो जाती है, इतनी तेज़ हो जाती है, पूरा यहाँ तक ख़त्म हो जाती है सांस, तो ऐसे बस लगता है कि यही जगह रह गई है, इसके अलावा कुछ नहीं रह गया मेरे पास। तो वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल जो चेक हुआ वो 52 था, 52 बहुत बहुत कम होता है, यूजली जो 95-96 मतलब माना जाता है, बिलो 80 मतलब कम होता है, 52 तो बहुत बहुत एक्सट्रीम कम था। तो जाते ही मैं गई थी ऑक्सीजन, मम्मी को सपोर्ट ऑक्सीजन सपोर्ट दे रखा था, उसके बाद ECG हुआ, ECG में उन्हें थोड़ी अब नॉर्मल रिदम दिखी, फिर चेस्ट एक्सरे करवाया तो उससे पता चला लंग्स में ना मम्मी के पानी आ रखा है। तो सारी मेडिकल हिस्ट्री सारी रिपोर्ट्स वगैरह देखने के बाद उन्होंने कहा ये हमारे केस, क्योंकि छोटा ही हॉस्पिटल था, हमने पास में ही गए थे मम्मी और पापा, तो उन्होंने कहा आप आगे जाओ। आगे हम लोग गए प्राइवेट हॉस्पिटल में, प्राइवेट वाले कहते कि मम्मी को ना ICU में हमें शिफ्ट करना पड़ेगा बिकॉज उन्हें निमोनिया हो गया। मम्मी एकदम ठीक नॉर्मल, मम्मी कह रहे मेरे को निमोनिया कैसे हो सकता है, फीवर के कोई भी सिम्टम्स नहीं है, बॉडी एक नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि मम्मी को हार्ट का इशू है, उसी से रिलेटेड हो सकता है। ICU वाली नौबत ही नहीं थी मम्मी की, मम्मी का था कि हाँ वार्ड में 1 दिन के लिए एडमिट करा दिया जाए, इससे ज़्यादा और इससे ज़्यादा नहीं हम चाहते थे। मैंने बोला भी सही, मैंने कहा मेरी वो वाली कंडीशन नहीं है, आप ICU में रखो, कल को वेंटिलेटर में डाल दे, देखो वो तो खाली एक बिल बनता रहता, कुछ नहीं था उससे। मैंने पूजा को कहा, मैं कहा चल पूजा ये ना हो कि बैठे बैठाए हम 4-5 लाख के नीचे लग जाए, और उतनी कंडीशन नहीं थी वो वाली। तो बस फिर हम लोग गए दीनदयाल, गए दीनदयाल जाने के बाद हमारे घर के पास ही है बिल्कुल वो भी, तो उन्होंने बताया कि मम्मी के ना हार्ट की वजह से इशू आ रहा है बिकॉज हार्ट, और मम्मी की मेडिकल हिस्ट्री उन्होंने देखी, ECG अगेन करवाया तो उससे पता चला इंजेक्शन वगैरह लगे काफ़ी कि नॉर्मल रहे, पर ऑक्सीजन सपोर्ट भी थे, एम्बुलेंस में भी जा रहे थे, एम्बुलेंस ऑक्सीजन सपोर्ट वाली ही मंगवा रहे थे। मैं जैसे ही हटाते थे ना मेरे को फिर से सांस चढ़ रहा था, कल पहली बार ऐसा था कि मेरे को जो मैं पहले इलाज करवाया था पिछली बार मैं ऐसे ही ठीक हो गई थी उन्हीं से ही, तो मुझे लगा वही होगा वही ठीक हो जाएगा, पर बट जैसे ही वो उतारते थे उनको लगा कि हम नहीं ये हैंडल कर पाएंगे आप आगे जाओ। फिर उसके बाद दीनदयाल वालों ने कहा इंजेक्शन वगैरह दे, कह रहे आप ना बड़े हॉस्पिटल जाओ, कार्डियोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट के पास जाओ, तो उन्होंने 2-3 हॉस्पिटल के नाम लिख के दिए, RKRML और एक पता नहीं पंत कोई हॉस्पिटल था और एक सफदरजंग। फिर हम लोग गए इतने में ना क्या कहते हैं काकू तो हमने घर पर बोल रखा था घर पर बैठ जाओ बिकॉज घर पर भी कोई हो, फिर पापा और मैं थे बिकॉज वहाँ पे क्या होता है वेटिंग बाहर ही खड़े करते थे, अंदर एक पेशेंट के साथ एक ही बंदे को अलाउड करते थे, तो इतने में फिर मन्नू आ गए, सुनील भी आ गए और अर्जुन पापा आ गए थे, सारे के सारे आ गए थे वहाँ पे,
उधर से फिर हम 1:30 बजे के करीब हम लोग सफदरगंज गए, फिर हमने पापा को तो यहाँ भेज दिया था। हमने कहा अगर वहाँ पे एडमिट कर ले तो सुबह उठने के लिए आने के लिए कोई होना चाहिए, सबकी नींद नहीं पूरी होगी तो कोई रह ही नहीं पाएगा। पापा को हमने भेज दिया, काकू मैं भैया और अर्जुन पापा मनु हम सब वहाँ चले गए। तो वहाँ पे उन्होंने एडमिट इमरजेंसी में ही कर रखा था, तो इंजेक्शन वगैरह लगाए, ECG वगैरह जो भी जो होना था उन्हें, फिर यही लगा कि हार्ट की वजह से ही सारी दिक्कत है। तो एट लास्ट उन्होंने यही बोला कि आपकी हार्ट में दिक्कत है तो कभी ना कभी दिक्कत आएगी आएगी, बिकॉज क्या होता है हार्ट पंप ढंग से नहीं करता तो ऑक्सीजन नहीं बना पाता, तो ऑक्सीजन ना बनाने से बहुत आपको पता है बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, तो लंग्स में पानी आने लग गया। अभी सारी मेडिसिन वगैरह उन्होंने लिख दी है, बाकी हम एक बार चंदन देवी में हम जरूर दिखाएंगे। एक हमें ना डॉक्टर ने ना ये किसी पता नहीं हमने कहाँ पे देखा था, वहाँ पे वो बोल रहे थे सुपर स्पेशलिस्ट है ना जनकपुरी वाला, वो हार्ट स्पेशलिस्ट है, वो सबसे बेस्ट उधर कार्डियोलॉजिस्ट मिल रहे हैं। बाकी अगर आपकी राय हो तो बता दो, बिकॉज हम अभी माता चंदन देवी में ही मम्मी को दिखा रहे हैं, बाकी बताना आपको कहाँ पे अगर, क्योंकि ना हमारे लिए ना सफदरजंग उन्होंने तो कहा आप आ सकते हो ओपीडी में, इतना रोज जाना आसान नहीं है कि मैं एक बार वहाँ से इलाज चालू करवाऊँ और हर वक्त मैं वहाँ जाती रहूँ, क्योंकि कैब के इतने उसमें खर्चे आ जाते हैं, और खर्चे को भी छोड़ो मेन टाइम है, आपको पता है कि इतना टाइम 5-6 घंटे लगाना, वो मैं इतना नहीं घंटे ज्यादा नहीं जाना आना, अगर वहाँ भी देखो लाइनें हैं, आपको पता है लाइनें बहुत बड़ी बड़ी लगी होती हैं, तो वहाँ मुश्किल है बहुत, मतलब पास वाला हॉस्पिटल हमें जो सूट करता है ना, बिल्कुल पास का हॉस्पिटल है वो माता चंदन देवी करता है। तो अभी गाइस 2-3 दिन में यहीं पे, जब तक मम्मी थोड़ा नॉर्मल नहीं हो जाते यहीं हूँ, बाकी देखते हैं जो भी होगा आपको हम आगे अपडेट करते रहेंगे। तो गाइस इसी के साथ ये वाला जो ब्लॉग करते हैं यहीं पे, जाने से पहले वीडियो को लाइक करना, और मिलते हैं अब आपसे कल वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।